गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हो आप लोग टैबलेट लेने आए थे क्या? अच्छा, क्लास करने कितने लोग आए हैं? और टैबलेट लेने कितने लोग आए थे? अच्छा, सारे लोग आए। नहीं, क्लास करने कितने लोग आए? यार टैबलेट तो मिलता रहेगा, क्लास से ज्यादा इम्पोर्टेंट टैबलेट है क्या? क्लास करिए, टैबलेट आप खुद भी ले सकते हैं, टैबलेट तो मिलेगा ही, टैबलेट मिलेगा, टैबलेट आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इसके बाद भी आपका क्लास है, आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए, कल क्या क्या हो गया था? बहुत सारे लोग तो कल आए ही नहीं थे, बहुत सारे लोग तो गायब हो गए थे कल। अच्छा, क्या बताइए, यूपी स्पेशल आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया है? ये अभी नहीं पढ़ना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है? कह रहे कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अभी यूपी स्पेशल नहीं पढ़ना चाहिए, जब हमारे प्रीलिम्स हो जाएगा तब हम जब देंगे तब पढ़ेंगे, तब भी आप लोग क्लास में क्यों नहीं आते? बहुत सारे लोग नहीं आते क्लास में। आज क्लास ठीक है, कल जो है संख्या कम थी, इसके पहले तो टेस्ट दिन आपने सारे लोग भाग गए थे। हाँ, छह सात या आठ जो भी रहे आप लोग पीछे ही पूछ लेंगे, यहाँ आगे भी जगह, आगे भी बैठ जाए। ठीक, क्या हुआ, क्या कहते चलिए ठीक है, साथ हो जाइए फिर। ठीक है, अगला तो कल क्या क्या हो चुका था पहले बताइए, थोड़ा रिकॉल करिए आप लोग, कल कहां तक हो चुका था? 1857 की क्रांति के पूर्व की स्थितियां क्या क्या थी? नोट्स देख के यहां नहीं, वैसे याद करके बोलिए, नोट्स तो घर पे देखना चाहिए था। आप बताएं, आप आई नहीं, क्या चल रहा है? अच्छा, एग्जाम चल रहा है, क्या चल रहा है? बी ए बीएससी, अच्छा बीएससी चल रहा है। चलिए, लेकिन कोई नहीं, क्लास कब एग्जाम होता है? कल भी नहीं छोड़े, क्लास करिए कंटिन्यू। एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स होने के बाद हम यूपी स्पेशल पढ़ के कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, श्योर बता रहे नहीं हो पाएगा। और अगर आपका मन में नहीं है कि हमें यूपी पीसीएस देना है तो फिर क्या मतलब है? अगर यूपी पीसीएस टारगेट, और मेरे हिसाब से यूपी पीसीएस हर व्यक्ति को टारगेट करना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी दे और चाहे यूपी पीसीएस, अगर आप यूपीएससी देते हैं तो एक ऑप्शन लेके बैकअप के रूप में लेके चलना चाहिए, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। उससे क्या है ना, आपको गिरने का खतरा नहीं रहेगा, गिरने का एक हाउस में है, नहीं कहां से गिरे, खजूर पे अटके, आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके, तो कम से कम कहीं तो अटक जाओ, नहीं पता चले स्थिति ये आ जाए कि आप कहीं पे नहीं अटके, फिर इतने साल तैयारी की है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला और आप जाके गांव में फिर क्या कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो आप लोगों को जो है पढ़ना ही चाहिए। अब ये नहीं कि हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि यूपी स्पेशल आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ से आपको, अगर आप आरओ देते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, अगर आप आरओ का एग्जाम देते हैं तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा आपका। आरओ के एग्जाम में कम से कम मान के चलिए जितना डेप्थ में आप लोग पढ़ेंगे यूपी स्पेशल ना, उतना यूपी स्पेशल वाणी पढ़ के कोई नहीं कर पाएगा क्वेश्चन, वाणी पढ़ के इतना क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा जितना आप यहाँ यूपी स्पेशल पढ़ के कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि थोड़ा आप लोगों को लाभ हो जाए, क्लास में भी हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस ही कर लेते हैं, मिनिमम पर डे का मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेता हूं। अगर आप लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं तो आप लोगों को इतना लगा होगा कि कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस हो ही जाता है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो बताइए 1857 की क्रांति के पूर्व क्या क्या स्थितियां बनी जिससे 1857 की क्रांति करना पड़ा, बताइए।
कुछ भी बताइए, कोई लोग बताइए है? जैसे जी धार्मिक कारण और आर्थिक कारण में क्या कारण रहा? अच्छा आज आप पहली बार क्लास कर रहे हैं और भी कारण थे, आज आप पहली क्लास कर रहे हैं। अच्छा तो आर्थिक कारण में क्या रहा? अच्छा राजनीतिक कारण और कोई बता दो। नियम लाए थे वो एक पे लगा था, किस पे लगाया था? कुशासन का आरोप। कब उसका विलय किया गया था? विलय कब किया गया था आप बताएं? आपका नाम क्या है? हाँ तेज बोला करो यार, इतना क्या डरना है? नाम बताने में इतना डर है? कौशल कौशल मिश्रा। कौशल मिश्रा जी आप बताएं विलय कब किया? इसके पहले आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे? यस सर। हैं आप दोनों में से बताएं, आप दोनों लोग तो क्लास में थी। 1856 बहुत सही, ठीक है। और उस समय वो किस नीति के तहत उसका विलय किया गया था? राज्य हड़प नीति। कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो राजनीतिक कारण तो था ही, उसके बाद सामाजिक कारण में क्या क्या आएगा? सामाजिक कारण लिखाने तो हम सब लिखवा देंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग भी अपना दिमाग दौड़ाया करें, जिससे यहाँ जीवित रहे क्लास में। क्लास में जीवित रहना बहुत जरूरी है। जीवित रहने का इन द सेंस आपका दिमाग खुला रहे। बताएं। अच्छा एक बात और बताइएगा, ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उससे समस्या तो नहीं है? इस वजह से क्लास जो है संख्या कम हो जाता है, है? अगर इस वजह से क्लास की संख्या जो है कम हो रही है तो क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे। वैसे नहीं पूछेंगे इसमें नुकसान आप ही का, मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके पीछे आंसर भी बता ही देते हैं। बताइए सामाजिक कारण में क्या था? आप दोनों में से बताएं, आप दोनों लोगों को बताए नहीं, आप दोनों लोग पीछे बताए। कल आप क्लास नहीं किए थे, धीरे धीरे चेहरा लोगों का याद हो रहा है। मैं जैसे सही आप बता रहे बाल विवाह की और क्या सती प्रथा। अच्छा सती प्रथा का समर्थन कौन किया था? समर्थन पूछ रहे हैं, विरोध नहीं है? समर्थन पूछ रहे हैं, विरोध तो मुझे भी पता है। किसके सहयोग से हुआ था सती प्रथा? सती प्रथा जो है रोका गया था किसके सहयोग से और कब? राजा राम मोहन राय के। और कब? 1829। बहुत सही, लेकिन इसका एक कोई था जो समर्थन किया था, नाम कोई बता दे बस, हम ये नहीं पूछेंगे क्यों समर्थन किया। नहीं याद आ रहा? राधा कामदेव। राधा कामदेव जो है इसका, उन्होंने कहा ये हमारे समाज की क्या है रीतियां है और इस पे उठाघार करना ये गलत है, ठीक है। सामाजिक कारण में क्या क्या हो गया? क्या क्या? पहला तो हो गया सती प्रथा, ठीक है। और जो नर बलि दिया जाता था, नर बलि बच्चों का क्या किया जाता, बलि दिया जाता था, ये सब कारण जो है सामाजिक कारण थे। आर्थिक कारण आप लोग बताए ही, राजनीतिक कारण में
तो जैसा कि कुशासन का और राजनीतिक कारण में एक कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक कारण नहीं उसको कह सकते हैं राजनीतिक या सैन्य कारण, दोनों उसी में था, सैन्य कारण। बहुत सही। और क्या होता था? शोषण किया जाता था। और एक कारण, उच्च पद में नहीं जाते थे, ये आपने एकदम वैलिड पॉइंट होता है। उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था, ठीक है, भेदभाव तो ठीक है, उनको समुद्र पार भेजा जाता था, समुद्र पार भेजने के लिए। तो इससे उन लोगों को क्या लगा जो भारतीय थे, उनको लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने का एक उपाय है। और कारतूस तो था ही, कारतूस था पहले के लोग जो है भारत के लोग, ऐसा उन लोगों का कुछ मानना था कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए, समुद्र पार नहीं करना चाहिए, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। जैसे इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सरजू पार सुने नहीं, थोड़ा सा मल्लिक करके एक वर्तमान एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे सरजू पारी जो है उस तरफ से इस तरफ विवाह नहीं करते, क्यों नहीं करते, इसके पीछे कारण पता है आपको? जब भगवान राम रावण का वध करके आए थे, तो कुछ लोग, कुछ पंडित सरजू उस पार के जो है, जब वो भोज किए थे तो उसने खाना खाए थे, और कुछ लोग जो इधर के थे वो भोज में खाना नहीं खाए थे। तो उनका मानना, जो भोज में खाना खाया था वो कहते हैं कि ये पाप किए थे। ब्राह्मण क्या था? ब्राह्मण, रावण क्या था? ब्राह्मण था ना, रावण जो है ब्राह्मण था, ठीक। तो ऐसे ही सेम कंडीशन वहां पे था, सेम कंडीशन क्या था, कुछ कंडीशन ये था कि जैसे वो लोग कहते थे कि हमारा ये धर्म भ्रष्ट करने का एक तरीका, चर्बी वाला कारतूस यूज करते थे। और चर्बी वाला कारतूस में क्या, उसमें दो चीज यूज होता था, एक तो गाय के, गाय का था, एक क्या था, सुअर का। किसका? सुअर का। अच्छा सुअर किसके लिए दिक्कत था? गाय तो मान लो हिंदू के लिए था, सुअर किसके लिए? सुअर जो है मुस्लिम के लिए दिक्कत था। किसके लिए? मुस्लिम के लिए, ठीक। तो इसके पीछे का कई कारण था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। इन कारणों की वजह से 1857 की क्रांति हुई। और 1800, अब ये क्वेश्चन एक क्रास क्वेश्चन है, क्रास क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम में अगर आपके बन जाए, अगर 1857 की क्रांति ना हुई होती तो भारत की, भारत के राजनीतिक परिदृश्य कैसा होता, भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा होता, क्या होगा बताएं? कोई समस्या आप दोनों को? राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा अगर 1857 की क्रांति ना हुई होती तो भारत की राजनीति, राजनीतिक परिदृश्य कैसा होता? मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर नहीं हुआ होता, जो उससे एक इंस्पिरेशन मिला, ठीक है, 1857 की क्रांति से जो एक रास्ता मिला, जो एक न्यू मिला, शायद वह उतना न तब हो पाता। वह इसलिए न हो पाता, स्वाभाविक सी बात है, कोई क्रांति करने के पीछे जब लोग आते हैं तब उनको बल मिलता है, जन समर्थन मिलता है, और जब जन समर्थन मिलता है, ठीक है, चलिए बैठिए, क्या हुआ है, बहुत जगह है, इधर बैठिए। जब जन समर्थन मिलता है तब लोगों के अंदर क्या होता है, एक उत्साह जागता है किसी क्रांति को करने के पीछे। अच्छा क्रांति का कई चरण होता है, ठीक है, वो चरण बताना यहाँ हमारा टॉपिक नहीं है। क्रांति ऐसे एक दिन में नहीं होता, या भारत की आजादी एक दिन में नहीं मिला। भारत की आजादी के पीछे अंग्रेज जैसा कि पहले कब आए थे, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। अंग्रेज कब आए थे बताइए आप? उसके बाद कौन आया था? अच्छा ये आर्डर पता ही नहीं, किसको किसको आर्डर पता है? ऑर्डर किसका, किसको किसको पता है कि भारत में यूरोपीय जो विदेशी थे कब कब कैसे कैसे आए? मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ी है? मैं भी हो सकता, आपने नहीं पता, ये यूपी स्पेशल का टॉपिक है जो हम बता रहे हैं, ठीक है, और अभी इसका यूपी स्पेशल का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, इसमें कई सारे आप सिलेबस डिस्कस किए थे तब आई थी नहीं, हाँ तभी आपको दिक्कत हो रहा है। एक्चुअली क्या है, इसमें आपको पढ़ना सर
सब पढ़ना है, लेकिन बस यूपी के अकॉर्डिंग पढ़ना है बस। इसमें जो भी चीजें 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे, तो 1857 की क्रांति में जो यूपी के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का योगदान था, वही पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री जो आपके सर पढ़ाए होंगे, वो तो पूरा होलिस्टिक अप्रोच रहा होगा उनका, व्यापक स्तर पे। लेकिन यहाँ व्यापक नहीं, यहाँ क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही बनेगा, 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का योगदान। तो आपको ये नहीं लिखना है, अब आप यहाँ कुंवर सिंह का डिस्कस नहीं करेंगे, कुंवर सिंह का डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कहाँ से किए थे नेतृत्व, कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, बिहार के कहाँ से, जगदीशपुर, सही। तो वैसे ही मतलब आपका यहाँ पूछेगा तो आपको नाना साहब का जिक्र करना है, झांसी की रानी का जिक्र करना है, ठीक है, तात्या टोपे का जिक्र करना, मौलवी लियाकत अली का करना है, बेगम हजरत महल का करना है, इन सब का जिक्र करना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का वैलिड आंसर होगा, आप जो है आरा की चीजों को यहाँ पे नहीं लाएंगे, आपको जो भी आंसर लिखना होगा यूपी के अकॉर्डिंग लिखना होगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर 1857 की क्रांति ना हुई होती तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य कैसा होता, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा ये बताइए कितने लोग कल क्वेश्चन लिखने प्रयास किए थे, कोई लोग लिखने प्रयास किए थे, नहीं आप लिखे थे क्वेश्चन, लिखा नहीं, और आप बताएं, कृष्णपाल जी आप बताएं, आप भी नहीं, अच्छा आप बताएं, अच्छा चलिए ठीक, और जो है आप लिखिए, बहुत से लिखी, यही बहुत बड़ी बात है, लिखना ही ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात ये भी जान लीजिए, आप जब पहला आंसर लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि पहले आंसर में ही आपको सारी चीजें आपको आने लगेंगी, या आप अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में अच्छा आंसर लिख पाएंगे, तो ऐसा पहले दिन नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, प्रतिदिन आप प्रयास करेंगे तो एक दिन बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए आप जो है टॉपर्स की कॉपी भी देखा करें, आप भी टॉपर्स की कॉपी देखा करें, ठीक है। और हाँ एक चीज और है, जो यूपी, अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम वाले टॉपर्स की कॉपी देखें, क्योंकि आपको लिखना हिंदी मीडियम में, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम का लिखें, ठीक। लिखिए 1857 की क्रांति टॉपिक। वैसे जो जो बातें मैं डिस्कस किया हूँ वो पिछला बात था, उसके आगे 1857 की क्रांति का पर आगे का बात भी हम पर डिस्कस कर दिए थे। क्लास में जीवित रहिए, मजा आएगा क्लास में, सच बता रहे ईमानदारी से। अरे जीवित रहने का मतलब ये है दिमाग खोल के बैठे बस, वो तो मुझे भी पता है, आप लोगों का हाथ पैर चल रहा है, दिमाग खोल के बैठे। चलिए देखिए 1857 का विद्रोह। देखिए एक बात बता दें, लिखाते समय जो भी पॉइंट ऐसा आएगा जो मुझे लगेगा समझाने योग्य है, मैं उसको समझाऊंगा। हो सकता है थोड़ा टॉपिक से मैं समझाने के चक्कर में थोड़ा सा इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन इसका भरोसा रखिए यही कहानी आपको याद आएगा। टू द पॉइंट एग्जाम में बहुत ज्यादा याद नहीं आता, जो कहानी हम बताते हैं यही आपको याद आएगा एग्जाम में, है? तो वो कहानी आपके दिमाग में रहेगा तो आप आंसर लिख लोगे, बहुत अच्छे से लिख लोगे। देखो 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह लोगों के अंदर 1857 का विद्रोह लोगों के अंदर उठ रहे रोष और अंग्रेजों द्वारा। अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल गया क्या, कोई बोल रहा था अभी जो मेडाइवल चल रहा है, तब आप लोग इतने सुनने पड़े हो, तब आप लोग इतने सुनने क्यों पड़े हो, तब आप लोग क्यों इतने सुनने पड़े हो। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास कंप्लीट हो गया आपका ना, अच्छा पहले यही पढ़ाए होंगे, इसके पढ़ाने के पीछे लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। और एक बात और जानिए, जब भी कोई कोचिंग चलता है तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है,
पॉलिटी का भी गौर किया, पॉलिटी क्यों पढ़ाया जाता है ना? आप बताएं कृष्णकांत जी। नहीं वो नहीं। चलिए देखिए, अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण का परिणाम रहा अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां भारतीयों के अंदर विद्रोह की भावना को जन्म दिया, जिसके कई कारण जिम्मेदार थे। क्या वो आप नहीं लिख रहे हैं? जिसके कई कारण जिम्मेदार, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि प्रमुख कारण। 1857 पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, 1857 की क्रांति का कालक्रम विभिन्न चरणों में रहा। अब यहां से आपका दो चीज फायदा होगा, एक तो यहां से आपको फैक्ट तैयार होगा एग्जाम में लिखने के लिए, और एक यहां से फैक्ट तैयार होगा आपको एग्जाम में प्री में क्वेश्चन को टैकल करने। पिछले ही बार पूछा था कि झांसी में कब हुआ, अगर आप लोग प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखे होंगे तो पिछले ही साल क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति एग्जैक्ट डेट पूछ लिया था कि झांसी में कब चला था। तो पहले लिखिए कालक्रम, ऊपर ऐसे लिखिएगा, पहले तो लिखिए 1857, की क्रांति। पहले इसमें लिखिएगा कालक्रम, अब इसको कई पार्ट में डिवाइड कर, पहले लिखिएगा, पहले कब स्टार्ट हुआ, 2 फरवरी पहले वाले, ऐसे ही डिवाइड कर दिया। पांच छह कर दीजिए, पहला लिखिए 2 फरवरी 1857, 2 फरवरी यहां लिखिए, 2 फरवरी 1857, ठीक। इसके नीचे ऐसे एरो लगा, ठीक है, इसके नीचे एरो लगाइए बहरामपुर, इसके नीचे एरो लगाइए बहरामपुर, बहराम 2 फरवरी, बहरामपुर में विद्रोह, एरो के नीचे लिखिए उन्नीसवीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री, अगले एरो के नीचे लिखिए, हाँ दूसरे वाले एरो के नीचे लिखिए 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857
उसके नीचे ऐसे लाइन खींचिएगा जैसे लिखा खींचिएगा, लिखिए नीचे बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह। फिर उसके नीचे एरो पूरा एकदम लाइन खींच के नीचे एरो लगाइएगा उसी के, ऐसे ही जैसे ये लाइन खींचे ना उसके नीचे एरो लगाइएगा। 34 सामी 34 जी बोले दूसरे वाले में रहेगा वो थर्टी फोर चौंतीस हमी बंगाल इन फैक्ट्री, बंगाल इन फैक्ट्री बटालियन की पांचवी कंपनी में, बंगाल इन फैक्ट्री की बटालियन में पांचवी कंपनी में मंगल पांडे, पांचवी कंपनी में मंगल पांडे से संबंधित। अब यहां से तीन क्वेश्चन बन सकता है। पहला, बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था, कब हुआ था? 29 मार्च। दूसरा क्वेश्चन, मंगल पांडे किस से जुड़े थे, किस कंपनी? अभी लिखवाया मंगल पांडे, आप बताएं। तो यहां से तीन चार क्वेश्चन आपका बन सकता है इससे, ठीक है। और ये इधर आपको फैक्ट में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां भी लिखने में आपको काम आएगा, और प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट है ही। फिर तीसरे वाले के नीचे लिखिए 10 मई, ये एग्जाम में पूछा गया था पिछले हिसाब, 10 मई 1857, 10 मई 1857 एरो के नीचे लिखिएगा मेरठ विद्रोह, मेरठ विद्रोह एरो के नीचे लिखेगा बंगाल आर्मी की, बंगाल आर्मी की इग्राहमी अलेबंग, अलेबंग व बीसवीं ट्वेंटी अलेबंग इग्राहमी इग्राहमी। अब सही है ना, जो ना लिख पाए बता दिया करिए ना, हमें उम्मीद था कि आप लोग लिख लेंगे। अच्छा लैंग्वेज का इशू आ जाता है क्या? अच्छा इसको इसको आप लोग क्या बोलेंगे? अच्छा बताइए आप लोग ग्यारहवीं है, हम लोग ये ग्रहवीं बोलते हैं, ग्रहवीं। अच्छा लैंग्वेज का इशू आता है, ठीक है, जो दिक्कत हो बता दिया करिए। देखिए ग्रहवीं वह बीसवीं नेटिव कंपनी, नेटिव बीसवीं नेटिव, बीसवीं नेटिव ये लिख लीजिएगा, अब ये दिक्कत नहीं होगा ना, लिख लीजिए, ठीक। अगला लिखिए, अगले अगले एरो के नीचे 11 मई, 11 मई 1857 एरो के नीचे लिखिए, एरो के नीचे दिल्ली, दिल्ली। फिर अगला लिखिए, अगला एरो के नीचे 4 जून, 4 जून अगला लिखिए, 4 जून 1857 एरो के नीचे लिखिएगा, फिर ऐसे लाइन खींचिएगा, लाइन के नीचे लिखिए लखनऊ व झांसी विद्रोह, लखनऊ है झांसी विद्रोह। फिर अगला 5 जून 1857 लाइन खींचिएगा, उसके नीचे लिखिए कानपुर, ये अगला में रहेगा 5 जून 1857 कानपुर विद्रोह। फिर उसके बाद लास्ट है, लास्ट हाँ तो लास्ट है, वो नंबर एक आदमी इधर उधर हो गया होगा उससे, कानपुर हो गया ना, 4 जून लिखे ना, फिर 5 जून लिखे, फिर उसके बाद अगला लिखे 6 जून, 6 जून 1857 इलाहाबाद विद्रोह, इलाहाबाद विद्रोह, इलाहाबाद विद्रोह।
आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, पिछली बार का पीसीएस का डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा, किस डेट में शुरू हुआ, किस डेट में 1857 की क्रांति शुरू हुई। चलिए देखिए, विद्रोह के कारण, विद्रोह लास्ट वाला छे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और मेरठ दोनों शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल तो था ही, उसमें लिखे ना मेरठ और बंगाल दोनों, क्या लिखे आप बताए, बंगाल लिखा है, कंफ्यूजन कहाँ आ रहा बताइए, तो हम उसको क्लियर कर देते हैं ना कंफ्यूजन। बंगाल में भी विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 की क्रांति, वहां जो कंपनी थी उस कंपनी में भी विद्रोह हुआ था, ठीक है। क्या हुआ समझ में नहीं आया आपको, ना समझ में आया तो क्या, ठीक लिखिए, कारण, कारण लिखिए, कारण, अब इसका गोला ऐसे बनाइए, ये फॉर्मेट आपको आंसर राइटिंग में भी यूज करना है, जो फॉर्मेट में बता रहा हूं आंसर राइटिंग में भी आपको यही फॉर्मेट यूज करना है। कारण के ऊपर लिखिए, ऊपर लिखिएगा आर्थिक, ऊपर आर्थिक, ये फीडबैक देने का है मेरे क्लास का, देख लीजिएगा जैसा भी आपको सही लगे, फीडबैक है भाई आप लोगों के ऊपर, ये स्वतंत्र है, ये मौलिक अधिकार है आपका फीडबैक देना जैसा भी आपको सही लगेगा। पहला लिखिए ऊपर आर्थिक, आर्थिक, फिर उसके देखिए एक हो गया आर्थिक, ये सैन्य, सैन्य, सैन्य कारण, फिर इधर लिख लीजिएगा राजनीति, राजनीतिक कारण, ठीक, फिर नीचे लिख लीजिएगा तत्कालिक, तत्कालिक, नीचे वाले तत्कालिक, नहीं लिख पाएंगे अगर आप लोग हिंदी, ये बताइए तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण कॉमा सामाजिक, तत्कालिक ऑब्लिक सामाजिक ऑब्लिक धार्मिक, ये तीनों एक में रहेगा, तत्कालिक सामाजिक और धार्मिक। अब पहला पॉइंट लिखिए इसमें, अच्छा एक चीज, इस क्वेश्चन का आप मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन तो हम खैर बताइए, 1857 के क्रांति में उत्तर प्रदेश की भूमिका, जब ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आपको ये सारे पॉइंट दिखाना पड़ेगा, लेकिन पूरा आप अपना हिस्ट्री वाला आंसर मत लिखिएगा, अगर हिस्ट्री वाला लिखेंगे तो आप चाहे कितना भी लिख देंगे नंबर आपको सही नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप यूपी के अकॉर्डिंग रिलेट करके लिखेंगे तो अगर आपका 10 नंबर है तो आपको मात्र 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 नंबर में आपको 5 या 6 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपना हिस्ट्री वाला दिमाग लगाने लगे तो उसी में आरा जोड़ दें, उसके बाद उसी में असम जोड़ दें, है, और उसी में महाराष्ट्र जोड़ दें सारा, तो फिर आपको आंसर में नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये लड़का जो है यूपी से संबंधित इसको ज्ञान नहीं है, बस ये अपना हिस्ट्री वाला ज्ञान यूज कर दिया, एक दो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है एक दो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। पहला लिखिए आर्थिक कारण, पहले में आर्थिक कारण देखिए, उसमें अंग्रेजों द्वारा व्यापारियों और उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के पक्ष में अपनाई गई आर्थिक, के पक्ष में अपनाई गई, के पक्ष में अपनाई गई आर्थिक और भू राजस्व नीति, और भू राजस्व नीतियों ने देश के, भू राजस्व नीतियों ने देश के
पारंपरिक आर्थिक पारंपरिक भू राजस्व नीतियों ने देश के पारंपरिक आर्थिक ढांचे को नष्ट कर दिया, ढांचे को नष्ट कर दिया, जिसके कारण किसान का हस्तशिल्प उद्योग एवं पारंपरिक जमींदार तबाह हो गए। हस्तशिल्प उद्योग में क्या था, क्या करते थे, जो आए वो गलत सही कुछ भी बताएं, हम यहाँ खड़े हैं। हाँ, कपड़े का बहुत सही। अच्छा, कपड़े का व्यापार क्यों भारत में जो है उसका नुकसान क्यों होने लगा? नहीं, क्वालिटी अच्छी थी। एक पॉइंट आप नहीं बता रहे जो मैं चाह रहा हूँ कि बोल देना। और कोई बताएगा? आप बताएंगे। ठीक है, और कोई बताए? आप बताए। बस एकदम यही वैलिड पॉइंट था, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। कास्ट जो है महंगा आता था, और स्वाभाविक सी बात है जिसका कास्ट ज्यादा होगा उस पर। अब एक एग्जांपल इसका करंट से रिलेट करके बताएं, जैसे एप्पल का फोन है कितने लोगों के पास है इस क्लास में? मेरे पास भी नहीं है। एप्पल का फोन कितने लोगों के पास है? क्यों नहीं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? महंगा है। और जब महंगा रहेगा तो लोगों का पहुंच कम होगा, और जब पहुंच कम होगा, लेकिन उसका अपने देश में बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है, लेकिन और देशों में बिजनेस है क्योंकि और देशों में पैसा है। तो इस वजह से जो भारत का कपड़ा था, ठीक है, भारत का कपड़ा, इतना लिंक मैं कर देता हूं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही इतना ही घुस जाते हैं। जो भारत का कपड़ा होता था उसके बनावटी में, मतलब बनाने में ज्यादा कास्ट आता था, और कास्ट ज्यादा आने की वजह से वो महंगा हो जाता था, और मार्केट में वो क्या करता था, कंपटीशन नहीं कर पाता था। किसका? ब्रिटेन के कपड़ों का, क्योंकि ब्रिटेन का कपड़ा वहां, अब तो इन्होंने एक पॉइंट बढ़िया बताया, औद्योगिक क्रांति, यहाँ के लोग जो है हाथ से बनाते थे चीजों को, ठीक है, हाथ से बनाते थे, लेकिन वहां क्या था, उद्योग जो है मशीन से बनाया जाता, और स्वाभाविक सी बात है कोई व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। किसी काम को अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वही काम अगर मशीन करता है तो टाइम कम लगता है। जैसे अगर जब आप पहले जाते थे बैंक में पैसा निकालने तो काफी टाइम लगता था, आपको लाइन लगाना पड़ता था, टोकन मिलता था, लेकिन जब से कंप्यूटर या एटीएम आ गया तब से क्या हुआ, चीजें आसान हुई ना। तो बात समझ में आई कि नहीं, टॉपिक से रिलेट कर पाए कि नहीं? चलिए देखिए आगे। अब जमींदारों का क्या हो गया था, जमींदारों का क्या नष्ट हो गया था? जमींदार जो है क्या लेते थे, कर लेते थे, और कर वसूल के किसके देते थे, किसको देते थे कर वसूल के? अंग्रेजों को देते थे। और धीरे धीरे उनका भी नुकसान होने लगा, क्योंकि नियम जो है काफी टफ बनाए गए, और जब नियम टफ बनाए गए, एक सूर्य अस्त का कॉन्सेप्ट क्या था? देना पड़ता था, अगर आप कर नहीं दिए तो क्या होगा, जिम्मेदारी जब्त कर दी जाएगी। तो वही ठीक बात को समझे कि नहीं लाइन पर, ये जो बात लिखा है। चलिए अगला लिखिए, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है जाहिल न्याय व्यवस्था। जाहिल नहीं जानते आप, लिख दे जाहिल, क्या जाहिल न्याय व्यवस्था,
अमीरों से गरीबों को, अमीरों से गरीब लोगों का शोषण किया जाता था, अमीर से गरीब लोगों का शोषण किया जाता था, प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने लोगों को गरीबी की खाई में ढकेल दिया। अगला पॉइंट, विलियम बैंकिंग ने एक काश्तकारी नियम बनाया जिससे जमींदार निराश हो गए, क्योंकि उनको लगा कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, अगला पॉइंट, भारतीयों को उच्च पद नहीं दिया जाता था एवं अंग्रेज और भारतीयों के वेतन में भी विसंगति थी। भारतीयों को अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। अच्छा, एक चीज बताइए, 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा नेतृत्व कौन से सैनिक रेजिमेंट ने किया था, कहां का था? उत्तर प्रदेश, बिहार का, और उसके बाद दक्षिण भारत, असम या गोरखा? दमन करने के लिए कौन किया था? 1857 की क्रांति में दमन करने के लिए कौन सा रेजिमेंट जिम्मेदार है? गोरखा एक और था। सिख। गोरखा और सिख। सबसे ज्यादा मात्रा में सैनिक कहां से थे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भरा है। सबसे ज्यादा सैनिक कहां से थे? ऑप्शन दे, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस, बताइए। पश्चिम बंगाल, और कोई बताए? आप दोनों में से बताए, मॉडल पढ़ चुके हैं आप लोग है? सही बता रहे हैं। और अवध, और एक और अवध और बिहार, अवध और बिहार के लोग 1857 की क्रांति में ज्यादा। अच्छा, एक चीज और बताइए, 1857 की क्रांति के बाद सैनिकों का अनुपात कितना कर दिया गया, इसके पहले कितना था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बना है। जितना मैं बोलता हूं जाके आप नीचे से उठा के देख लीजिए, ऐसे नहीं कि मैं बोल देता हूं, क्वेश्चन मुझे याद है वो अलग बात है।
इतना बार क्वेश्चन देखे हैं इसलिए याद हो गया। 1857 की क्रांति के पहले भारत के सैनिकों का अंग्रेजी अंग्रेजी सेना में कितना परसेंट योगदान था, कितना का रेशियो था? रेशियो रेशियो आप बताएं कृष्णपाल, आप सही बता रहे हैं लेकिन ये बाद वाला कंडीशन, ये बाद वाला, पहले वाला। चलिए इसको देखिएगा, नहीं है तो बताइएगा फिर बता देंगे। चलिए राजनीतिक लिखिए, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण अगला टॉपिक। अपने नोट्स में देखिएगा और कहां देखेंगे, जहां नोट्स लिखे हैं ना, हो सकता है आपके सब लिखाए होंगे, मैं लिखवाए होंगे तो हम बता देंगे, लिखवाए हमें पता है कि सब लिखवाए होंगे, निश्चित रूप से लिखवाए होंगे क्योंकि ना लिखवा नहीं तो हम यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहे हैं। नहीं अभी लिखिए ना, अभी आएगा, लिखिए अगर आप यूपी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, अंग्रेज हमेशा कारण में लिखे, आप लोग बताइए, नहीं छोड़ देंगे अगर आप लोगों को नहीं माना तो नहीं लिखवाए कारण। अब आप लोग बताइए राजनीतिक कारण में क्या क्या हो सकता है, अगर लिखवाए ऐसा तो इतना याद होना चाहिए। हाँ बताइए, और आर्थिक कारण, आर्थिक तो ही है, सैन्य कारण में क्या था? विसंगति थी और समुद्र पार वाली नीति, कारण तो सही है, कारण आप उसमें यूपी 1857 की क्रांति तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूपी में हुआ था, 1857 की क्रांति तो भारत में हुआ था, तो कारण कुछ सेम आएगा लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा होगा कि जो यूपी के ही अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है। हाँ हाँ वही 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 लिखिए। हाँ वही वही देख रहे हैं जो यूपी का है। अरे क्या हुआ क्यों इतना आप लोग बोलने लगे, क्या हुआ? जैसा आप लोग कहे भाई, अगर ये कितने लोग समर्थन में है कि लिखवा दे कारण, हाथ उठाए, क्लास का अगर रेशियो ज्यादा रहेगा तो मैं लिखवाऊंगा। कितने लोग समर्थन में है कि कारण लिखवा दे, हाथ उठाइए और उठाइए भाई, जितने लोग समर्थन में है कि कारण लिखवा दे, तो नंबर आप स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है तो कारण लिखिए, नंबर आप फिलहाल देखिए एक मिनट शांति बनाइए। देखिए हमारा काम है एक लोगों को लेके नहीं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये क्लास अटेंड की थी, अगर ये लिखे तो मैं इनको देख के नहीं पूरे क्लास को ट्रीट करूंगा ना, मेरे लिए क्लास समान है, सारे लोग समान है, अगर एक भी बच्चे को दिक्कत होगा तो मैं लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे आपको बताना है, टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और पहले से लिखा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लिखिए आप लोग लिखिए, देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण लिखिए।
अंग्रेज हमेशा भारत में विदेशी बनकर ही रहे, अंग्रेज भारत में हमेशा विदेशी ही बनकर रहे, वह कभी भी भारतीयों के साथ वह कभी भी भारतीयों के साथ मेल मिलाप नहीं बढ़ाना चाहा। वह हमेशा से ही अपने को उच्च वर्ग मानते रहे, और नहीं तो अपने कठोर नीतियों से भारतीयों पर लगाम भी। जो लिखा होगा वो ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं लिखा है वो तो लिखे, ठीक है। भारतीयों पर लगाम भी रखना चाहते थे। जो लिखा है वो ना लिखे लेकिन क्लास में शांति बनाए रहे, इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। नहीं लिखे हैं तो बगल वाले डिस्टर्ब मत करें, जो लिखा है वो शांति के साथ चुप मार के बैठ के पढ़े अपना, जो नहीं लिखा है वो लिखे। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने देसी रियासतों को भी अपने नियंत्रण में रखना चाहा। इसका उदाहरण नाना साहब, जिसको पेंशन देना बंद कर दिया गया। अच्छा, ये जितने लोग भी भाग लिए थे 1857 की क्रांति, कोई लोग ऐसा नहीं था कि अपने ही मन से ऐसे आगे देश भावना के प्यार मोहब्बत में कोई नहीं आया था। सारे लोगों का कुछ ना कुछ खुद का स्वार्थ था। नाना साहब का क्या था? पेंशन। झांसी की रानी का क्या था? दत्तक पुत्र। और एक लोगों का और था स्वार्थ, बेगम हजरत मार लखनऊ में, बेगम हजरत महल का क्या स्वार्थ था? उनका भी वही स्थिति था, उनके भी बच्चे को जो है, और ये झांसी की रानी का जो है, इन्होंने दत्तक पुत्र मतलब एडॉप्ट किया था। अंग्रेजों ने नियम बनाया था कि आपका कोई अगर वंश का नहीं है तो वह जो है क्या होगा, वह आपके राज्य का नेतृत्व नहीं करेगा। इस वजह से झांसी की रानी क्या हुआ, 1857 की क्रांति में भाग लिया, ठीक। और नाना साहब को समस्या क्या हो गई, नाना साहब के पिताजी को पेंशन मिल रहा था, ठीक, ये भी पेंशन इनको भी मिला, बाद में इनको पेंशन देना बंद कर, मतलब पेंशन इनको बंद कर दिया। क्यों बंद? ये दत्तक पुत्र थे। नाना साहब क्या थे, इनका नाम क्या था, कोई बताएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम था, एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और कहां उनका वो क्या, कहां पैदा हुई थी? मणिकर्णिका घाट में पैदा हुई। और वीर गति कहां प्राप्त हुई थी, ये भी एग्जाम में बना है। आप दोनों बताएं वीर गति कहां प्राप्त हुई, कौन कहा था कि सारे मर्दों में एक ही मर्द, ये स्टेटमेंट किसका था? सही, ठीक है। देखिए इतना पॉइंट बताने के बाद इतना डिस्कस हो जाता है, अभी लीव कर देते बहुत सारे लोगों को नुकसान होता,
लिखिए आगे, नाना साहब ने विद्रोह कर दिया, नाना साहब ने विद्रोह कर दिया जिसका परिणाम 1857 की क्रांति रही। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को लाल किले तक, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को लाल किले तक सीमित कर दिया गया। अगला पॉइंट लिखिए, 1852 में डलहौजी द्वारा, 1852 में डलहौजी द्वारा गठित इनाम आयोग की जांच के परिणाम स्वरूप कई राज्यों और जागीरों को जब्त कर लिया गया। इनाम आयोग की जांच के परिणाम स्वरूप कई राज्यों और जागीरों को जब्त कर लिया गया। डलहौजी द्वारा अवध के विलय पर देशी रियासतों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। जिसने अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को देखिए सारे लोग लिख रहे हैं, दो तीन लोग बोले कि नहीं लिखवाइए, अभी सारे लोगों का नुकसान हो जाता। फिर राजनीतिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, इस कार्रवाई ने कंपनी की सेना में विद्रोह का माहौल पैदा कर दिया। क्योंकि कंपनी की सेना में अधिकांश अवध, अब यहां बिहार का नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अधिकांश अवध क्षेत्र के सैनिक थे, जिसमें अवध क्षेत्र के सैनिक थे, इससे बहुत सारे सैनिक बेरोजगार हो गए। जब विद्रोह हुआ तो अवध के सैनिक ज्यादा थे, अवध के, अब 1857 के क्रांति में पता चला कि सबसे पहले जांच बैठा, देखा गया कहां के सैनिक, किस एरिया के सैनिक ज्यादा मात्रा में थे, फिर क्या हुआ, उन लोगों की छटनी करना शुरू कर दिया गया, और जब छटनी हुआ तो स्वाभाविक सी बात है बेरोजगार हो जाएंगे। अगला कारण देखिए, सामाजिक धार्मिक कार्य भारतीयों के द्वारा लंबे समय से अपनाई जा रही रीति रिवाजों और परंपराओं का
शाही मशीनरियों द्वारा ईसाई मशीनरियों द्वारा या उनके कह सकते हैं प्रीस्ट द्वारा खुले तौर पर उपहास निंदा की गई। किसका उपहास निंदा किया गया? खुले तौर पर उपहास निंदा की गई। किसका निंदा किया गया? इंडियंस का। आप बताएं क्यों उपहास किया गया? आप पढ़िए बताइए। निकल तो देख रही उपहास क्यों किया गया? इतना नर्वस क्यों हो गया? आराम से बताइए फ्री होके। इसने डरने वाली क्या बात है? भारत को क्या बोलते हो? सफेदों का देश क्यों बोलते हो? ये कभी आप हिस्ट्री वाले से बताए कि नहीं है? बताए होंगे। भारत को सफेदों वाला देश बोलते थे। सोने की चिड़िया हम लोग बोलते थे, वो लोग बोलते थे भारत को सफेदों का देश बोलते। कहते थे यहाँ पे बहुत आडंबर है। और ये फैक्ट भी है कि आडंबर है। रीति रिवाजों में समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, रीति रिवाजों में आडंबर है। आज भी आडंबर है। क्रम का कर्म कांड जब समझाते हैं तो आप लोग बात करने लगते हैं। समझाते हैं तो कम से कम सीरियस होकर समझा करिए, ठीक है? आप लोग समझदार हैं, सारे लोग भाई ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। अब छोटे बच्चे तो आप लोग हैं नहीं, LKG में हैं कि यहाँ डंडा लेके बैठे हैं, हैं? अब थोड़ा इतना खुल के आप लोग उस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा हंस देते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास में कुछ करें, ठीक है? आप लोग समझदार हैं, उस चीज़ को क्लास को कॉपरेट करिए। आपके वजह से किसी दूसरे की शांति भंग ना हो। तो मतलब आपके वजह से किसी दूसरे की शांति भंग ना हो, ठीक है? पता नहीं क्या बता रहे थे, दिमाग सुधर गया। सारी बातें रटी रटाई नहीं दिमाग में होती। सफेदों का देश कहा गया, वो नहीं, पॉइंट कुछ और था। अंधविश्वास, अंधविश्वास जो है, ठीक है, अंधविश्वास देखिए भारत में आज भी बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। भारत में जो है आज भी ज्यादातर अंधविश्वास की भावना है। कर्म कांड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसका कर्म कांड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोगों ने कर्म कांड का विरोध किया था। कर्म कांड का विरोध करने के पीछे कई सारा कारण था, जैसे कि मूर्ति पूजा का भी विरोध हुआ था। मूर्ति पूजा का विरोध करने के पीछे यही सब कारण थे, ठीक है? आप लोग लिखते रहिए, समझने की बात नहीं है, लिखते रहिए। देखिए कहा था क्वेश्चन, निंदा। 1850 में एक कानून बनाया गया कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को अपने पैतृक अधिकार पर अपने पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। किसको होगा बताएगा? जो ईसाई धर्म अपनाएगा उसकी पैतृक संपत्ति जो है उसका उस पर अधिकार होगा, ठीक? आगे लिखिए, सरकार ने अपने खर्चे पर ईसाई प्रचार को, या कह सकते हैं ईसाई मिशनरियों या पुजारियों, ब्रैकेट में लिख लिया ईसाई मिशनरियों या प्रचारकों या पुरोहितों को सेना में रखा। अच्छा, ये कल्चर आज भी चल रहा है, इसका समझ लीजिए। ये कल्चर आज भी चल रहा है। आर्मी में जो है एक धर्म गुरु की वैकेंसी आती है। क्यों आती है? इसके पीछे का कारण यही है कि जो सेना में होते हैं उनको अपने धर्म से जोड़ के रखना,
अगर कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है तो उसके अंदर देश भावना होती है, और देश भावना अगर किसी व्यक्ति के अंदर होगा तभी वह देश के अपने रक्षाई मतलब सुरक्षा के लिए वह खड़ा रहेगा, तभी खड़ा रहेगा। ठीक, तो वो उन्होंने क्या किया, वो जो है ईसाई मिशनरियों को किसमें शामिल कर दिया, सेना में शामिल कर दिया, जिससे इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके। किसका, भारतीय लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके। बहुत सारे संस्था हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जो है ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं गलत डायरेक्शन। ठीक है, पुरोहितों को सेना में रखा गया। अगला लिखिए, ठीक है लिखिए, बिश्नोई गैंग क्या होता है, बिश्नोई गैंग के बारे में कुछ पता है क्या है? देखिए आगे, कौन कौन सा कारण लिखिए आप लोग, एक कारण लिखिए। देखिए अगला पॉइंट, विलियम बैटिंग, अगला कारण विलियम बैटिंग। ये सब सारे लोग हमें लगता है टाइप के चक्कर में आए, चलो कोई नहीं। विलियम बैटिंग द्वारा बनाया गया एक कॉन्सेप्ट बताया, द हिंदू में आया था, बहुत सीरियस मैटर है। भारत पता है पीछे क्यों रहा, ये रेवड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट, रेवड़ी कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या होता है? ये द हिंदू में आर्टिकल आया था और अमेरिका में भी छपा था। ये फ्री का जो चीज है, फ्री के चीज में भारत जो है एकदम पीछे हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट में आप लोगों का टाइम दूंगा, शायद हो सकता है इससे आप लोगों का कुछ सुधार होगा। लोग फ्री की चीजों पे इतना भाग रहे हैं, अपना मतलब जो अंदर का क्षमता है उसको भूल जा रहा है। मैं बहुत सारी चीजों का, नीतियों का आलोचक हूं, है नाम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको देखिए, देश में फ्री का चीज बांटने से अच्छा है कि आप रोजगार क्रिएशन करें। रोजगार क्रिएशन होगा उससे क्या होगा, आने वाली कई पीढ़ी आपकी सुधर जाएगी। अगर रोजगार क्रिएशन होगा, एक होता है गरीबी का साइकिल होता है, गरीबी का साइकिल कोई पता है, गरीबी के साइकिल में एक मिनट का कॉन्सेप्ट है समझिए। गरीबी का साइकिल ये होता है कि अगर आप गरीब हैं ठीक, तो आपके आने वाली पीढ़ी उसी साइकिल में फंस जाती है। कैसे, कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका प्रॉपर वे में आप पहली बात तो आप ट्रीटमेंट नहीं, उसको जो है आप मेडिकल सुविधा नहीं दे पाएंगे। मेडिकल सुविधा नहीं देंगे, उसका दिमाग विकसित नहीं होगा, दिमाग नहीं विकसित होगा उसका एजुकेशन सही नहीं हो पाएगा, और जब किसी व्यक्ति का एजुकेशन सही नहीं होगा तो वह एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन पाएगा। फिर क्या करेगा वो, फिर उसी चक्र में आएगा और जाके वो लेबर करेगा, और फिर अगली पीढ़ी क्या करेगी, फिर वही वो भी करेगी। नहीं, मैं समर्थन कर रहा हूं इस चीज का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन ये ठीक है, बहुत अच्छा योजना है, लेकिन उसके पीछे आप अपना मेन ड्रीम मत भूलिए। कितने लोग जो है काम करना छोड़ दे, खाने पे खर्च कर रहा था वो पैसा ले जाके अपने शिक्षा रोजगार और कहीं खर्च करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा रोजगार की सरकार। चलिए ठीक है, वो सब सारी बातें, चलिए लिखिए लिखिए आगे। कहा था, बनाया गया सत्य
सती प्रथा कानून, सती प्रथा कानून, शिशु हत्या जैसे कानूनों को, शिशु हत्या जैसे कानूनों को रूढ़िवादियों में इसका घोर विरोध किया गया। रूढ़िवादियों का तर्क था कि यह कानून हमारे धार्मिक परंपराओं पर कुठाराघात है। रूढ़िवादियों का तर्क था कि यह हमारे धार्मिक परंपराओं पर कुठाराघात है। कुठाघात मतलब पता है क्या होता है? ये हिंदी का वर्ड है, ये सब वर्ड यूज करेंगे एग्जाम में तो नंबर अच्छा मिलेगा। कुठाघात मतलब चोट पहुंचा किसी चीज को या आलोचना कर। आलोचना दो परिप्रेक्ष्य में होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ठीक है। आपको आप पे डिपेंड करता है कौन सा प्रोस्पेक्ट लेके चलते हैं, ठीक। देखिए, कुठाघात यह कानून हमारे धार्मिक परंपराओं पर ये एक पटेंगे कुठाघात है, परंतु कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने इस कानून का सम्मान किया जिसमें राजा राम मोहन राय प्रमुख व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया? राजा राम मोहन राय कहां पे उनकी मृत्यु हुई? राजा राम मोहन राय को राजा देने के पीछे उपाधि का कार्य क्या था? वो अपना एजेंट बना था, कहां भेजा था? रानी के पास, कि हमें क्या दिया था? पेंशन के लिए मान, ठीक। अकबर द्वितीय। अगला पॉइंट अंग्रेज भारतीयों को इतनी हेत भावना से देखते थे कि यहां तक कि भारतीयों को ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया यह भारतीयों को यह भारतीयों को प्रतिबंधित कर दिया यह भारतीयों को आलंबवादी कहा करते थे, जिनके पास कोई आकांक्षा न्यूट्रल कहा करते थे। सैन्य कारण, अगर इसमें क्वेश्चन आएगा कहीं से भी आएगा, चाहे आपका इवन अगर हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में आए तो भी आप आंसर लिख ही दोगे बढ़िया से। देखिए, सैन्य कारण, ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों के साथ तिरस्कार
तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते थे। तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते थे एवं भारतीयों को सेना में उच्च पद से वंचित रखते थे। साथ ही सेना में उच्च पदों से वंचित रखते थे, साथ ही भत्ता भी नहीं देना चाहते थे। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा या कम देते थे, नहीं देना चाहते थे या ब्रैकेट में कम देते थे। अगला पॉइंट लिखिए, सरकार के एक आदेश ने भारतीय सैनिकों को चंदन टीका दाढ़ी पगड़ी ब्रैकेट क्लोज आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। और उन्हें समुद्र पार जाकर काम करने के लिए बेबस किया गया। जिससे भारतीयों को अपने धर्म भ्रष्ट होने का खतरा महसूस होने लगा। तत्पश्चात वह विद्रोह पर उतर आए। अब देखिए तत्कालिक काल तत्कालिक कारण में आप सभी लोगों को पता है, पहला कारण क्या था? एक ही कारण है, वही ज्यादा वैलिड है। क्या कारण था? कारतूस जो दांत से निकालना पड़ता था, सबसे बड़ा कारण वही था। अच्छा, एक कारण और था, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, हो सकता है सर ना लिखवाया हो। एक कारण और था कि जो जेल में कैदी थे, ये वहां लोटा कांड नहीं है बिहार वाला, ध्यान दीजिएगा, वो लोटा कांड दूसरा है। जेल में जो कैदी थे उनको पहले जो है लोटे में पानी दिया जाता था, बाद में क्या हुआ उनको लोटा से वर्जित करके और मिट्टी के घड़े में पानी देना शुरू कर दिया। यह भी एक विरोध का कारण था। क्या था? तत्कालीन उस टाइम का कारण था। और उसमें कौन सैनिक तो विद्रोह करेंगे, उसमें कैदियों ने विद्रोह किया था। कौन किया था? कैदियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, लिखिए तत्कालीन कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण कारतूस में उपयोग होने वाली क्या? कारतूस में उपयोग होने वाली गाय एवं सुअर की चर्बी युक्त कारतूस
कारतूस रहा जिसे सैनिक को दांतों से क्या करना पड़ता, खींचना पड़ता था, दांतों से खींचना पड़ता था। अच्छा, ये एनसीईआरटी में ऐसा एक जगह हम कहीं पढ़े थे एनसीईआरटी में कि एक अफवाह भी था, ये अफवाह था जो चर्बी वाला उसमें यूज हुआ था, ये अफवाह भी था, ये वैलिड नहीं था, लेकिन उस टाइम के कारणों को मान लिया गया ऐसा था नहीं कि उसमें चर्बी युक्त यूज हुआ था। एनसीईआरटी में मैंने कहीं लाइन पढ़ा था, क्या लिखे, खींचना पड़ता था जिससे उन्हें अपने धर्म पर खतरा महसूस होने लगा, खतरा महसूस होने लगा। कहां से, ये कहां से शुरू हुआ था, विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, कहां से? अच्छा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 और कोई बताए, अप्रैल में था, सही डेट बताए, ऑप्शन दिया है, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन भी ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अप्रैल में बोली है आप, उसी में ऐड कर लीजिए, 8 अप्रैल, 5 अप्रैल, 5 है नंबर, आ संख्या 8 का जाता है। अच्छा, चलो ठीक है, 8 ही मान लेते हैं। वैसे जहां तक मैं ख्याल कर पा रहा हूँ 5 अप्रैल, जहां तक मैं ख्याल कर पा रहा हूँ, हो सकता आप ही लोग सही हो। लिखिए, आगे लिखिए, अगला पॉइंट, विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके विद्रोह 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति को चिंगारी 1857 की क्रांति को चिंगारी लगाने का काम किया। वहीं से भागा, उसके बाद धीरे धीरे ये व्यापक, अच्छा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बहरामपुर। अच्छा बताइए, इसका नेतृत्व कौन किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? नहीं, होलिस्टिक लेवल पे उसका नेता किसको चुना गया था और उसका सेनापति कौन था? सेनापति सेनापति कौन था बताएगा कोई? भक्त था। क्या नाम था? भक्त।
कानपुर का सेनापति कौन था? कानपुर का सेनापति कौन था? और इलाहाबाद का कौन नेतृत्व किया? लियाकत अली। सही, एकदम सही। देखिए आगे आगे लिखिए अगला पॉइंट। यह मित्रों अगला पॉइंट यह मित्रों 11 में बस एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। क्या हुआ? हमारी क्लास का टाइम आपके एक और आया, क्या नाम है, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट, हाँ मतलब 10:45 तक वो क्लास देते हैं, 10:45 आप लोगों को बोलना चाहिए। अगर हम अच्छा तो हम भी बोल रहे हैं लिखिए टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अरे अभी परिश्रम कर लीजिए, फिर आपको जो है ना जिप्सी में जो है ऐसे खाना मिलेगा, जिप्सी में आएगा खाना, ठीक है? देख लीजिए टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ये तो आप लोग तो करना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए, टॉपिक तो क्लियर हो जाए। 5 इसके बाद कौन सी क्लास है? मतलब नहीं पढ़ेंगे, जा रहे हैं आप जरूर पढ़ा दीजिए, टॉपिक आप क्लियर कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद जाइए। नहीं रीडिंग में आंसर राइटिंग में। चलिए लिखिए अगला पॉइंट लिख लीजिए, बस खत्म। 1857 अगला पॉइंट, 1857 विद्रोह में, 1857 विद्रोह में उत्तर एवं मध्य के नगरी एवं सिपाही, नगरी सिपाही भारी संख्या में शामिल थे, जिसके साथ ही मजदूर किसान छोटे जमींदार आदि लोगों ने अपना योगदान दिया था। चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग ना एक काम करिए, जैसे जब क्लास उनका भी मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं किसी का भी हो, जब क्लास आपका 10:30 हो तो एक बार बोल दिया करिए, ठीक है? ठीक, अगला क्लास भी रहता है। मच्छर बहुत उम्र हो गया, बहुत है, मौसम तुम बच के रहना पिछले साल इसी डैम का, तुमको